मैंने फिर कहा नियमानुसार भर्ती हुई है तो बार बार एक ही सवाल का जवाब क्या है? अध्यक्षों की जांच का समर्थन करेंगे आप? ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है, नियमानुसार ये है ना कि यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार पर योग्यता निकाली है, जिसका एग्जाम कराया गया है वो एग्जाम हाईकोर्ट में लंबित है ना। भर्ती मैंने कहा ना टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है वो परमानेंट, वो अलग बात विषय है। सर ये तो फिर मंत्री को सर इसका नियम ये माना जाए जो देखिए जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूँ कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराए की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं? यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है तब से लेकर आज तक हुआ है पहली बार। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है, उसी आधार पर इस बार भी हुआ। और विज्ञप्ति की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्जाम कराया गया, लेकिन भर्ती तो नहीं हुई। अभी आप सुन तो लीजिए भाई साहब, यदि आप ही को जवाब सवाल करने से मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एग्जाम हुआ है, बाकायदा उसका जो 8000 के लगभग हमारे अभ्यर्थी थे उनके एग्जाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाईकोर्ट गया है, हाईकोर्ट के कारण वो विषय रुका है, वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बाकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी, तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है। तो ये पहली बार हुआ है। मंत्री जी आपने कहा कि इससे पहले भी भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए वो? ये मैंने कहा ना नियमानुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर, अरे 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई, 5 महीने बाद वो तनखा लेते हैं, मार्च 30 अप्रैल से 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का, तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे? ये विधानसभा जवाब।